भी हमने लिखा है कि सारी हेयरिंग ओपन होंगी, तो ओपन हेयरिंग होगी, जो जांच होगी वो जांच भी हमने लिखा है कि सारी जांच के वक्त और जांच के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट होंगे, जनता देख सकेगी उन डॉक्यूमेंट्स को। ऐसे में अगर कोई जांच डिसऑनेस्ट होती है, बेईमानी से होती है, तो जनता उसके ऊपर आवाज़ उठाएगी। मैं ऐड करना था ये कि जब जांच हो रही होगी तो क्या वो अपना विल ही कंटिन्यू टू बी इन द कोर्ट एंड, इसके बारे में हमने कुछ नहीं लिखा है। मुझे ये लगता है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जांच शुरू होगी तो शायद पूरे देश में जनमत ऐसा बनेगा कि उनको अपनी कुर्सी खुद ही छोड़नी पड़ जाएगी। हमने इस बारे में इसीलिए मैंने बार बार कहा कि जो भ्रांतियां फैल रही है, हम केवल एक आज इस देश में अगर कोई जज भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ जांच करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आज तक हुई नहीं है जांच। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ईमानदार जांच तो शुरू कीजिए, उस जांच रिपोर्ट को पब्लिक तो कीजिए, अपने आप आगे पब्लिक का गुस्सा और पब्लिक ओपिनियन जो है वो बाकी काम कर देगी। ट्रायल शुरू होगा जांच के बाद, उसके बाद अपने आप ही उसको पोजीशन पे रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर जब जांच शुरू होगी और वो अपना काम छोड़ दे, इतना ज़्यादा जनता का दबाव बन जाए और बाद में निकले कि वो सच में उसने कुछ गलत नहीं करा था, तो क्या ये अन्याय नहीं होगा? इस तरह का तो अन्याय आपके साथ भी हो सकता है। हम जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन इस देश के अंदर ये तो किसी के भी साथ हो सकता है कि उसके साथ जांच होती है, उसको तो जेल में डाल दिया जाता है, जांच के दौरान बेल नहीं होती है उसकी, और फिर जांच के बाद पता चलता है ये तो ठीक था, तो वो तो उसके लिए फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स की अलग से बात करनी पड़ेगी। अरविंद जी, ये कहा जा रहा है कि जन लोकपाल को सिर्फ मतलब ऊपरी लेवल के या बड़े लेवल के करप्शन केसेस को देखना चाहिए, छोटे लेवल के जो केसेस हैं वो सीबीआई सीबीसी देखती रहे, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, एक ये भ्रांति पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि लोकपाल को अगर सारे लोकपाल केसेस देखने लग गया, छोटे भी बड़े भी, तो लोकपाल अपने बोझ के अंदर दब जाएगा, मर जाएगा, ढह जाएगा, और लोकपाल को केवल बड़े, केवल कई लोग कह रहे हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव लेवल के केवल केसेस देखे, कुछ लोग कह रहे हैं केवल मंत्रियों के केसेस देखे, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी भी केस में भ्रष्टाचार फाइल के ऊपर शुरू होता है, फाइल के ऊपर कोई अफसर साइन करता है, वो किसी के दबाव में साइन करता है या किसी से पैसे लेके साइन करता है, लेकिन फाइल नीचे से चालू होती है। अगर आप केवल ऊपर ऊपर के केसेस का ज्यूरिसडिक्शन इनको देंगे, तो ये एक्सपीरियंस हम पिछले 15, 20, 30 साल में अपने देश में लोकायुक्तों के साथ देख चुके हैं। हमारे देश में 18 राज्य ऐसे हैं जिसमें लोकायुक्त हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे राज्यों के जो लोकायुक्त हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन केवल पॉलिटिशियंस के ऊपर है। और जो जस्टिस शमीम थे दिल्ली के लोकायुक्त पहले, वो ये कहते थे कि उनका ज्यूरिसडिक्शन केवल नेताओं के खिलाफ है और कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नेता से शुरू नहीं होता, वो भ्रष्टाचार का मामला कहीं ना कहीं नीचे किसी अफसर से शुरू होता है, और जब उसकी तहकीकात शुरू करने लगो तो उसमें फिर कई बड़े अफसरों के नाम भी आते हैं, कई नेताओं के नाम भी आते हैं। तो जांच शुरू करने के पहले अगर आप ये देखेंगे कि ये नेता से शुरू हुआ या नहीं, तो आपको एक भी मामला नेताओं के खिलाफ नजर नहीं आएगा। तो ये जो फ्रैक्चर कर दिया हम लोगों ने कि नेताओं की जांच ये करेगा, बड़े केस की जांच ये करेगा, छोटे केस की जांच ये करेगा, ये बेसिकली एंटी करप्शन सिस्टम को खत्म करने के लिए किया गया है। तो ये अगर आपने ये बड़े केसेस की ज्यूरिसडिक्शन इन लोगों को दे दी, तो आप ये मान के चलिए, जस्टिस शमीम का कहना था कि उनके पास 3 साल में केवल 2 केस आए हैं, इतने बड़े रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठा के, और उसके ऊपर वो कहते थे कि सरकार मेरे ऊपर 125 करोड़ रुपए साल का खर्च करती है और मैंने 3 साल में केवल 2 केसेस की जांच की है, तो मुझे लगता है कि हम दिखावे के लिए एक और नया खिलौना ना तैयार करें जनतंत्र के लिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इसको केवल बड़े केसेस के लिए और छोटे केसेस के लिए सीबीआई और चपरासी के लिए डिपार्टमेंटल विजिलेंस और उसके लिए हमें एक ही एजेंसी बनानी पड़ेगी। दूसरा ये कहना कि ये अपने बोझ में ढह जाएगी, तो हम ये कह ही नहीं रहे कि सारे के सारे केसेस को लोकपाल के 11 मेंबर इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेंबर जांच नहीं कर सकते वहां बैठ के, मेंबर किसी केस की जांच नहीं करेंगे, ये तो उनके नीचे की। अगर आज कहा जाए कि डायरेक्टर सीबीआई जो है, अभी सीबीआई की वेबसाइट पे हमने देखा कि 1200 केसेस की जांच की सीबीआई ने पिछले साल, तो क्या हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर सीबीआई बेचारा जो है उसके कंधे पे बहुत ज्यादा बोझ है? डायरेक्टर सीबीआई थोड़ी करता है जांच, उसके तो ऑफिसर्स करते हैं जांच।
तो उसी तरह से लोकपाल के अंदर ढेर सारी टीम बनाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टीम बनाई जाएंगी, वो जांच करेंगी मामले की, वो एक्शन लेंगी। लोकपाल के मेंबर्स का और उनका तो एक स्पेसिफिक काम ये होगा कि वो पूरे संगठन की एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, वो पूरे संस्था के इंटीग्रिटी को देखें, टाइम लिमिट्स मेंड हो रही है नहीं, या कुछ केसेस में वो अपील की कार्रवाई सुने। तो ये कहा जाना कि लोकपाल के ऊपर बहुत बोझ बन जाएगा, तो ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 11 मेंबर जो हैं ये बेचारे 11 के 11 बोझ से ढह के मर जाएंगे। ऐसा ये 11 मेंबर को नहीं काम करना, उनके पास बहुत बड़ी फौज होगी ऑफिसर्स की काम करने के लिए।